नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राष्ट्रीय उच्च पथ कुडू से घाघरा तक सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें दोनों ओर नाले का निर्माण किया जा रहा है, जो काफी घटिया तरीके से बनाई जा रही है, जिसका मामला जिला प्रशासन की सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त महोदय ने संज्ञान लिया था। और 8 जुलाई की बैठक में भी जिले के उपायुक्त महोदय ने नाले निर्माण को सही ढंग से करने का निर्देश जारी किया है। बावजूद सभी नियमों को ताक में रख एनएच के पदाधिकारी और संवेदक घटिया नाले निर्माण को जारी रखे हुए हैं। कस्तूरबा स्कूल के समीप 2 दिन पहले नाले की ढलाई की गई और उस पर जब आज वाइब्रेटर चलाया गया सेटरिंग खोलने के बाद, तो नाले की दीवार क्रैक हो गई, जिसे कि प्लास्टर करके लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको आम जनता ने रोक दिया और वहां के लोगों ने मांग की कि सही ढंग से नाली का निर्माण कराई जाए। सामाजिक विचार मंच जिले के उपायुक्त महोदय से निवेदन करती है, घटिया निर्माण को तत्काल रोका जाए और नाली निर्माण की जांच करते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। लोहरदगा जिले में कुड़ू से घाघरा तक राष्ट्रीय उच्च पथ चौड़ीकरण का निर्माण हो रहा है। सड़क के दोनों ओर नाली का भी निर्माण होना है। नाली निर्माण काफ़ी घटिया हो रहा है। आज की घटना है कि न्यू रोड में 2 दिन पहले नाली का ढलाई किया गया था, आज ही नाली पूरी धस गई, जिसके कारण वहां के नागरिकों ने काम बंद करा दिया। इससे पूर्व भी साइडिंग के पास में इसी तरह की घटना हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिले के उपायुक्त महोदय भी इस मामले पर संज्ञान ले चुके हैं। कल की बैठक में भी उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि नाली निर्माण में सुधार किया जाए, लेकिन एनएच के अधिकारी और संवेदक मिलकर घटिया निर्माण कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक विचार मंच ये मांग करती है कि सड़क निर्माण और नाली निर्माण को रोकते हुए पूरी जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। वी टाइम न्यूज के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।